हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। खबर सतना से है, जहां सतना के साथ है बिंद के अलग अलग जिलन माही मोटरसाइकिल चोरी करे वाले गिरोह के पकड़े माही सतना पुलिस का बड़ी सफलता मिली। सतना पुलिस गिरोह के 8 जने का गिरफ्तार कई के चोरी की 22 मोटरसाइकिल जब्त करी नहीं भाई। अपना बता दें कि 8 जने की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि इकट्ठे आदमी फरार बतावा जाता भाई। सतना पुलिस के बड़ी सफलता के खुलासा SP धर्मवीर सिंह गुरुवार का प्रेस कॉन्फ्रेंस में करें। आई अपना सुनी का जानकारी दिन जा लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इनपुट के आधार पर उन्होंने सबसे पहले एक आरोपी को चिराग को कमल साकेत को हिरासत में लेकर पूछताछ की। फिर पूरे अभियान में अभी तक 22 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। ये मोटरसाइकिलें वर्ष 2022 में और अलग अलग समय पे जिला सतना, जिला सीधी और जिला दीवा से चोरी करके लाई गई थी। अभियान चलाएंगे क्योंकि कई गाड़ियां चोरी करने के बाद बुलेटिन की अगली खबर सिगरौली जिला से है, जहां जिला के कैयक इलाकन माही बहने से पानी के संकट हुई गा है। सिगरौली जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर माही गनियारी वार्ड 40 मा पानी के इतनी किल्लत है कि वहां बसे वाले 1 किलोमीटर दूरी चल के कुआं के मटमैला पानी पी रहे हैं, जेके कारण गांव वाले उल्टी दस्त और डायरिया के घलाए शिकार हो रहे हम। ये मामला माही नगर निगम के आयुक्त RP सिंह कहिन के कहो पानी के कोनो मेर के समस्या नहीं आए, बल्कि पानी ज्यादा खर्च होतला हबे। कबहू कबहू ट्रांसफार्मर बिगड़े के कारण दिक्कत हो जाती है, या फिर ऊंचाई में होए के कारण पानी देरी से पहुंचत हबे, जबकि पानी दे रहे हैं। वह शहर में कोनो मेर के पानी के समस्या नहीं आए। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां सिविल अस्पताल मऊगंज में ही पिछले कुछ समय पहले रीवा जिला के सलगे चिकित्सक और भारतीय चिकित्सक संघ के सलगे सदस्य सिविल अस्पताल मऊगंज में ही चिकित्सक के साथ भय हिंसा और जानलेवा हमला के पुरजोर विरोध करी नहीं है। डॉक्टर कहिन के अनिल सिंह उइके के ऊपर जो जानलेवा हमला कीन गा रहा, ओकर हम पुरजोर विरोध करी थे और कड़ा शब्दन में ही एकर भर्सना करी थे भाई। हर चिकित्सक अपने क्षमता और योग्यता से सलगे मरीजन के अधिकतम मदद करे के प्रयास करत है। एक बावजूद अगर दुर्भाग्य से कोनो मरीज का बचावा नहीं गा तो यह में के घटना निंदा करे वाली है। वहाँ ऐसा लोगन के ऊपर कोनो मेर के कार्रवाई न होए से असामाजिक तत्वन के हौसला बुलंद होत जातला हमा। सलगे चिकित्सक इकट्ठा होए के मांग करें के ऐसा लोगन के पहचान की जाए और उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपको? डॉक्टर AK तिवारी हूँ, सेक्रेटरी IMA रीवा। आज SP ऑफिस आए हैं जी, इस विषय को लेकर के आपके द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ये परसों शाम को डॉक्टर UK हैं हमारे PSC मऊगंज में, जिनके साथ मारपीट की गई है और उनको जान से मारने का प्रयास किया गया है, तो उसके खिलाफ हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं ताकि FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो, सारी कार्यवाही कानूनी कार्यवाही हो। डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगे, किसके द्वारा धमकी दिया जा रहा है, किसके द्वारा? धमकी नहीं दी जा रही है, एक्चुअली पेशेंट वहाँ एक एक्सीडेंट का गंभीर अवस्था में एक मरीज को लेकर आया गया था जिनकी मृत्यु हो गई, तो उनके परिजनों ने मिल करके 15-20 लोगों ने मिलकर डॉक्टर और वहाँ पैरामेडिकल स्टाफ को साथ मारपीट की, और जब वो बचा के लोग उनको घर ले गए तो उनके घर में आग लगाने का भी प्रयास किया गया। SP रीवा से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, SP साहब यहाँ पे है नहीं। DSP सिटी VP सिंह से आपसे बात हुई है, उनको दे दिया गया है ज्ञापन। कमिश्नर साहब से भी बात ज्ञापन दिया गया, हमने आश्वासन दिया है कि कार्यवाही की जाएगी। अभी कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं हम लोग, कलेक्टर साहब को देने जा रहे हैं। खबर रीवा से है, जहां शिल्पी प्लाजा माही खत्री बूट हाउस के संगे और करण गारमेंट के संगे प्याऊ के उद्घाटन रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला करीन। विधायक के समय माही मीडिया से बताइन के भीषण गर्मी का देख के व्यापारी निशुल्क प्याऊ के व्यवस्था करीन ही, जेखर वो आभार प्रकट करा था माँ। गर्मी माही दूरी दूरी से लोग आवा था जिनका पानी के दिक्कत होती, वह लोगन का पानी के साथ है बतासव दिन जई। एक साथ है रीवा के सलगे चौक चौराहन माही निशुल्क प्याऊ के उद्घाटन की जाई। आई सुनाई थे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला का कह रहे हम। रीवा की एक बड़ी गौरवशाली परंपरा बन गई है कि हमारे शहर के जो व्यापारी हैं वो बाजार में इस भीषण तपती हुई गर्मी में लोगों के को ठंडा पानी मिले और शुद्ध पानी मिले, इसके लिए प्याऊ खोलने का पिछले कई वर्षों से जो काम कर रहे हैं उसी कड़ी में आज 2 प्याऊ का उद्घाटन मैंने किया है, और आने वाले दिनों में रीवा शहर में कम से कम 30 से 35 जगह इस प्रकार के प्याऊ शुरू हो जाएंगे,
और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, जो शहर के लोग बाज़ार में आते हैं ख़रीदारी करने के लिए और अन्य कामों के लिए, मजदूरी के लिए, उनको यहाँ पर मीठा बताशा के रूप में और शुद्ध पानी देने का जो पुण्य का काम होता है वो किया जा रहा है। मैं सभी व्यापारी बंधुओं को और जो भी समाजसेवी इस काम में लगे हुए हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रीवा रेलवे स्टेशन से बंबई खातिर सुपर फास्ट ट्रेन गुरुवार से शुरू हो गया है। अपने को बताई थी कि पिछले कई साल से बिंध्य के लोग ये ट्रेन के मांग करते रहे, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा और पूर्व मंत्री रीवा विधायक ट्रेन का हरी झंडी दिखा के रवाना करी नहीं भाई। वही हफ्ता में एक दिना गुरुवार का रीवा से साँझ के 4 बजे ट्रेन रवाना हुई के अगले दिना 12 बजे बम्बई स्टेशन पहुंची। बुलेटिन की अगली खबर मऊगंज से है, जहां बराव रोड में ही एचपी गैस के लगे वार्ड 8 के रहने वाले विजय तिवारी के 17 साल के बेटी आयुषी काल रात के सीमेंट सीट के नीचे लगी पाइप में ही फांसी के फंदा में लटकी मिली। आयुषी अपने माता पिता के इकठैये बेटियां रही, पढ़ाई में हमेशा अव्वल आवत रही, 10वीं के बोर्ड परीक्षा में ही 88% अंक प्राप्त करे रही हमा, वह इस साल 12वीं के परीक्षा दे रही हमा। वह बिटिया के मौत खातिर पिता के कहा भवे के जोने तरीके से बिटिया फांसी में लटकी मिली है यह आत्महत्या नहीं बल्कि साफ जाहिर हो रहा है कि बिटिया के हत्या करके ओखा लटकाए दिन का हबे। वह पुलिस सब का पोस्टमार्टम करवाए के परिजनन का सौंप दी नहीं भय। ये हादसा कैसे हुआ? ये कमरे में अकेले बच्ची थी, पता नहीं किसी ने मार के उसको पहले कहीं चपा दिया फिर फांसी पे लटका दिया पड़ोसी। अच्छा, मतलब अपने से संपर्क नहीं है जी। क्या नाम था लड़की का? आयुषी त्रिपाठी। अच्छा, किनकी लड़की है ये? मेरी, विजय त्रिपाठी। विजय त्रिपाठी, आपको शंका है, रिपोर्ट करवाए आपने? हो गया, अभी मार्ग तो किए हैं, अब FIR होता है, पहले बात ही का होगा। रीवा जिला के नगर पंचायत डभौरा के CMO के मनमानी के एक ठे वीडियो वायरल हो रहा है, जिन्हें माही वृद्ध महिला अपने परिजन के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवावे गई तो उनके साथ दुर्व्यवहार कीनगा। महिला का भुइया में बैठावा गा और अधिकारी अपने गप सड़ाका में बिजी रहे। बतावा जात हवे के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवावे में आनाकानी कीन जा रही, जबकि यह पत्र बनवावे खातिर तहसीलदार के आर्डर महिला के लगे रहा हवे। वह बुजुर्ग महिला के लड़का जब अधिकारी के मनमानी के वीडियो बनावे लगे तो उनके साथ धक्का मुक्की कीन गए, जो उनके सोशल मीडिया में अब खूब वायरल हो रहा है। वहीं यह वायरल वीडियो देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि सफेद पोश जे महिलन के अधिकार के दबाव के बात करा थमा, उनका कर्मचारी अधिकारी को मेर से उनके साथ दुर्व्यवहार करा थमा। देखिए CMO साहब बैठे हुए हैं, ये हमारी माँ है, इनको भूमि लटा के बैठा है, ये रो रही हैं अपने पिताजी के मित्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, और ये अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। इस तक मैंने पूरा रिकॉर्ड जमा किया, मेरा रिकॉर्ड नहीं दे रही है। देखिए कितना रो रही है। नाटक नहीं, नाटक तो होगा नाटक। तुम बाहर रहना, तुम चपरासी की तरह रहना, तुम बाहर रहना चपरासी की तरह, तुम चपरासी की तरह बाहर रहना, कोई भी हो, मैं अधिकारी मानता हूँ, तो आप अधिकारी की तरह बाहर, आप लपटिए मत हमको। बुलेटिन की अगली खबर सीधी के चौराहट से है, जहाँ नेहरू तिराहा माही किराना के दुकान माही गुरुवार रात के चोर धावा बोल दी, घरे के पीछे से सकाई के नकाब पोश चोरी के घटना का अंजाम दहीन ही भय। बतावा जात है के संपत्ति गुप्ता और उनका भाई मनोज गुप्ता बारात गए रहे और वही बीच चोर से धमारी कई दहीन ही भय। सलगी घटना CCTV कैमरा में रिकॉर्ड हुई गई ही भय। वह चोरी के मामला का थाना माही पंजीबद्ध कीन गाहब है, एक साथ है CCTV फुटेज के आधार माही पुलिस जांच में जुटी है। रीवा जिला माही एक दरकीपुन के बदमाशन के करतूत CCTV कैमरा में कैद हो गए। अपना को बताई दी के जवा तहसील के रामबाग के मध्यांचल बैंक में कियोस्क सेंटर माही दबंग सकाई के मारपीट करें, ये घटना आधी रात के बताई जाती है, जहां दबंग कियोस्क संचालक के ऊपर पैसा काढ़े के दबाव बनावत रहे। वह जब कियोस्क संचालक रात में पैसा नहीं काढ़े तब बिहन ने दबंग दुकान में सकाई के मारपीट करी, वह दोनों तरफ से मारपीट के घटना के रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
एक साथ ही यह घटना सीसीटीवी माही कैद भई भई जौन पुलिस का दई दीन गई भई। अपने बताई दई कि पुलिस फिलहाल दोनों पक्षन के शिकायत माही मामला के जांच कर रही है। खबर सीधी से है जहां जिला के संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र माही युवक के ऊपर भालू के हमला करे के घटना सामने आई है। अपना बताई दे कि कुसुमी जनपद पंचायत के लुरघुटी गांव माही सुनील चौबे गुरुवार का बिहन्ने अपन भैंस हेरे खातिर जंगल में गए रहे जहां एक ठे भालू अचानक उनके ऊपर हमला कर दी। घटना माही सुनील चौबे गंभीर तरीका से घायल हुई के हमा जिनका जिला अस्पताल रेफर की गई। अपने बता दें के समय रिहायशी इलाकन माही लोग भालुअन के आतंक से परेशान हम। माध्यमिक शिक्षा मंडल के दसवीं और बारहवीं के परीक्षा के रिजल्ट घोषित कीन गए हम जोने माही रीवा जिला के छात्र बाजी मारी नहीं भाई। दसवीं कक्षा में पढ़े वाली और प्रदेश माही नौवा स्थान ले आवे वाली उमा दत्त माध्यमिक विद्यालय के छात्रा आस्था शुक्ला जिला और विद्यालय के नाम का रोशन करी नहीं भाई। अपना बताई दी कि छात्रा के पिता एक छोट कारोबारी आही वहाँ विद्यालय के प्राचार्य छात्रा के प्रशंसा करके उनके ग्यारहवीं कक्षा के फीस का माफ करे नहीं भाई। आई सुनाई थे विद्यालय के प्राचार्य और छात्रा आस्था शुक्ला का जे अपने तैयारी और सफलता का लेके हमसे चर्चा करे नहीं भाई।